इस महीने में हरिद्वार में दो बड़े स्नान होने जा रहे हैं, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये तीनों स्नान कुंभ आने से पहले की रिहर्सल के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। दरअसल 11 फरवरी को मौनी अमावस्या और 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का बड़ा स्नान है और इन स्नानों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिला प्रशासन ने भी इन तीनों स्नानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा, लेकिन पंजीकरण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। के रूप में 11 तारीख को और 16 तारीख को बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या, ये दो स्नान है। ये स्नान पर्व के रूप में क्योंकि इसकी धार्मिक मान्यता भी है और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, क्योंकि ये कुंभ वर्ष के स्नान है तो इसलिए इसमें संख्या भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और इसमें हमारे जो कुंभ मेला पुलिस टीम जो कि ऑलरेडी यहाँ पर तैनात है और उनके जितने भी एंसिलरी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके साथ मिलकर हम ये स्नान का पुलिस ड्यूटी और सुरक्षा ड्यूटी को संपादित करेंगे। बड़ी खबर हरिद्वार से। मौनी अमावस्या को लेकर ट्रैफिक प्लान को जारी कर दिया गया है। कुंभ मेला क्षेत्र में भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आज 12 बजे से 12 फरवरी रात 8 बजे तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। दो दिन सभी भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। रोक रहेगी दिल्ली मेरठ मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों को चमगादड़ टापू और दीनदयाल पार्किंग में पार्क किया जाएगा। नजीबाबाद की ओर से आने वाले गाड़ियों को गौरीशंकर पार्किंग में पार्क किया जाएगा। पंकज राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, लोगों की सहूलियत के लिए बताइए किस तरह ट्रैफिक प्लान है। देखिए, आज तक कल मौनी अमावस्या का स्नान हरिद्वार में होने जा रहा है, उसको लेकर पुलिस ने अपने स्तर से तैयारी की है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है और राज्य सरकार ने SOP भी जारी कर दी है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो सभी को पालन करना होगा, लेकिन बड़ी बात ये होगी जब श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं तो उनको ये असमंजस की स्थिति रहती है, उन्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कहाँ पार्किंग की जानी है। इसके लिए जो जिला प्रशासन है और मेला प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। मुजफ्फरनगर, रुड़की, मेरठ, दिल्ली की तरफ से जो भी लोग आएंगे उनको जो चमगादड़ टापू है जो उधर पाप उसकी साइड ही पड़ता है, वहाँ हरकी पौड़ी की ओर पड़ता है, वहाँ पर उनको रोक दिया जाएगा। उसके साथ साथ ही जो यूपी की सड़क से नजियाबाद, धामपुर और मुरादाबाद की साइड से लोग आएंगे उनको गौरीशंकर पार्किंग है जो ठंडी पुल है उसके पास से बनाई गई है वहाँ पर रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ही देहरादून की साइड से जो लोग आएंगे उनको नेपाली फार्म से डाइवर्ट किया जाएगा, उनको पावन धाम पार्किंग में रोका जाएगा। इस तरह की पूरी व्यवस्था, जो लोग अलग अलग रास्तों से आएंगे उन सबके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, तो लोगों को निकलने से पहले एक बार इसका अपडेट लेना भी जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।